तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने चार क्वेश्चन कर लिए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5th है, चार क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या देखो, टू इवेंट 10^-7 सेकेंड अपार्ट इन टाइम टेक प्लेस एट टू पॉइंट। दो इवेंट है जो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, एक टी इज इक्वल टू जीरो पे हो रहा है तो दूसरा 10^-7 सेकंड के बाद में हो रहा है, मतलब टाइम में डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो रहे हैं 50 मीटर अपार्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दोनों को 50 मीटर दूर रखा गया है। मान लो एक्स टी इज इक्वल टू जीरो पे एक इवेंट हो रहा है और टी इज इक्वल टू 10^-7 सेकंड पे एक इवेंट हो रहा है और दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जर्वर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उन दोनों इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्व टू इवेंट साइमल्टेनियसली, मतलब देखो दो इवेंट हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे, एक ऑब्जर्वर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए ताकि उसको दोनों इवेंट साइमल्टेनियस दिखे, मतलब उसको दिखे भाई दोनों इवेंट एक के साथ हो रहे हैं। उसके फ्रेम में डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो जीरो, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू 10^-7 है, ठीक है। इनिशियली डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 10^-7 और डेल्टा टी प्राइम हमारे पास जीरो होना चाहिए ऑब्जर्वर के फ्रेम में, ठीक है, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। वट विल बी द स्पेशल सेपरेशन बिटवीन द टू इवेंट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के फ्रेम में स्पेशल सेपरेशन क्या होना चाहिए, मतलब दो इवेंट जो हो रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्या वो 50 मीटर होगी या कुछ अलग होगी। ऑब्वियसली अलग होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का केस आएगा, यहाँ पे दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम फाइंड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लो दो इवेंट हो रहे हैं, एस फ्रेम में दो इवेंट हो रहे हैं, एस फ्रेम में हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस मान लो एक इवेंट तो ए पॉइंट पे हो रहा है, ओरिजिन ले लिया इसको, इसके जो कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 एंड 0, टाइम भी जीरो ही है, पहले जो पहला इवेंट हो रहा है टी इक्वल टू जीरो पे हो रहा है, सेकेंड इवेंट हो रहा है बी पॉइंट पे और जो 50 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 50, 0, 0, z, 0, टाइम है 10^-7 सेकेंड। ये हमारा एस फ्रेम में ये कहानी हो रही है, ठीक है। एस फ्रेम जो रेस्ट फ्रेम है, हमारा फ्रेम है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और टी इज इक्वल टू 10^-7 सेकेंड पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है जो इससे 50 मीटर दूरी पर हो रहा है, या फ्लैश मान सकते हो, कोई भी इवेंट मान सकते हो, किसी भी टाइप के इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। और एक एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम एक ऑब्जर्वर है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू एस मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि इसको ये दोनों इवेंट है वो साइमल्टेनियस दिखे, मतलब टाइम का डिफरेंस जीरो दिखे। तो इसको एस प्राइम फ्रेम मान लेते हैं, एस प्राइम फ्रेम विच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन एक्स डायरेक्शन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इन दोनों इवेंट के, इन दोनों पॉइंट के जो इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है हमें, एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड एंड टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो इवेंट हो रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। एस प्राइम फ्रेम में क्या कोऑर्डिनेट होंगे, पोजीशन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ए पोजीशन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स जीरो है, टी भी जीरो है, तो एक्स प्राइम क्या होगा यहाँ पे, जो एक्स प्राइम, ये देखो ए के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम, ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के जो फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम, इन एस प्राइम फ्रेम, ठीक है, इन एस प्राइम फ्रेम। तो एक्स प्राइम क्या होगा हमारे पास, एस प्राइम, एक्स प्राइम क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करें इस पॉइंट के, एक्स जीरो है टी जीरो, एक्स जीरो है टी जीरो, तो एक्स प्राइम भी जीरो होगा, वाई प्राइम भी जीरो होगा क्योंकि वाई जीरो है, जेड प्राइम भी जीरो होगा क्योंकि जेड जीरो है, टी प्राइम क्या होगा, टी जीरो है, एक्स जीरो है, तो टी प्राइम भी जीरो होगा। तो इस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेंगे, जीरो 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 जीरो।
एस प्राइम फ्रेम में जो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेंगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स प्राइम क्या होगा हमारे पास? एक्स प्राइम होगा हमारे पास गामा। एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स है हमारे पास 50, गामा एक्स है 50 माइनस वी, और टाइम कितना है? 10^-7 सेकेंड। इस पॉइंट पे जो टाइम है एस फ्रेम में वो है 10^-7 सेकेंड। तो हमारा एस प्राइम फ्रेम में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो गामा 50-V × 10^-7, या इसको ये भी लिख सकते हैं 50-V × 10^-7 अपॉन 1-V² / C², ये एक्स प्राइम होगा। वाई प्राइम क्या होगा? वाई प्राइम वाई ही होगा, जेड प्राइम जेड होगा, ठीक है, और वो जीरो ही होंगे ऑब्वियसली। यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। टी प्राइम क्या होगा? टी प्राइम हम कैलकुलेट करते हैं, देखो टी प्राइम होगा यहाँ पे, हम यहाँ लिख देता हूँ मैं टी प्राइम गामा टी, टी है 10^-7 माइनस वी, एक्स कितना है 50, एक्स है 50/C², ये कोऑर्डिनेट होंगे इसके बी पॉइंट के। तो बी पॉइंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए एस प्राइम फ्रेम में, या इसको ए प्राइम मान लो और बी प्राइम मान लो। बी प्राइम क्या होगा हमारे पास? बी प्राइम के जो, यहाँ लिख देता हूँ साइड, बी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास एस प्राइम फ्रेम में वो आ रहे हैं, एक तो ये वाला हमारे पास 50-V × 10^-7 अपॉन 1-V² / C², ये एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट 0, 0, और एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वाला 10^-7-V × 50 अपॉन C² अपॉन 1-V² / C², गामा है ना मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे बी प्राइम के। ए प्राइम के ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0, 0, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि जो इवेंट है वो साइमल्टेनियस हो। इवेंट साइमल्टेनियस हो इसका मतलब ए प्राइम और बी प्राइम के बीच में दो जो इवेंट हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट पे उनका टाइम डिफरेंस जीरो, मतलब यहाँ पे तो टाइम ऑलरेडी जीरो ही है और यहाँ एक टाइम है, ये है टी टू प्राइम या टी बी प्राइम और ये है टी प्राइम। जो इनिशियल पॉइंट का टाइम है ए पॉइंट का जीरो है, फाइनल पॉइंट का टाइम है जो दूसरे इवेंट का टाइम है वो ये है एस प्राइम फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में ये टाइम आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है, टाइम का डिफरेंस हमारे पास जीरो होना चाहिए तभी तो साइमल्टेनियस होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? टाइम डिफरेंस जीरो हो, ठीक है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पर रखें, टाइम डिफरेंस जीरो, डेल्टा टी प्राइम इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी प्राइम क्या आएगा? ये माइनस 50 × V C² अपॉन 1-V² / C² इक्वल टू माइनस जीरो। टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए तभी तो साइमल्टेनियस होंगे। तो V निकाल लो यहाँ से, ये तो टर्म इधर चली जाएगी जीरो में, तो ये कितना आएगा हमारे पास 10^-7 इक्वल टू 50 × V/C². तो V कितना आ जाएगा 10^-7 × C² / 50। तो ये कितना आ जाएगा 10^, कितनी वेलोसिटी आ जाएगी इसको कैलकुलेट करो, इस वेलोसिटी कैलकुलेट करो, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10^-7 × 9 × 10^16, या एक सी रहने दो, एक सी लिख लो, 3 × 10^8 × C / 50। तो ये बचेगा हमारे पास 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/5C वेलोसिटी आएगी हमारे पास, जो वेलोसिटी आएगी 3/5C। यदि जो एस प्राइम फ्रेम है जो ऑब्जर्वर है यदि वो 3/5C वेलोसिटी से एस के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उसको वो दोनों इवेंट साइमल्टेनियस दिखाई देंगे, उसको एक ही टाइम पे होते हुए दिखाई देंगे, ये साइमल्टेनियस इवेंट होंगे, लेकिन ये कोलोकल नहीं होंगे, अलग अलग पोजीशन पे है, कोलोकल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट, हमें पूछा गया सेपरेशन क्या होगा उन दोनों के बीच का, यहाँ 50 मीटर था तो यहाँ कितना सेपरेशन होगा। सेपरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हो x2′-x1′, ऐसे भी निकाल सकते हो या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। एस प्राइम फ्रेम में ये जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी, ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1-V² / C² और एल नॉट है 50
और v हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया 3/5c, ठीक है, 1 - 9/25 c² / c² ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 √25 - 9 16/25, तो ये आ जाएगा 50 × 4/5 5 × 10 = 40 मीटर। ये दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर होगी एस प्राइम फ्रेम में। ऐसे भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, इन दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेना, ये तो जीरो ही है तो यही होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो यही होगा, इसमें वी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, यहाँ पे वी की वैल्यू 3/5 से पुट कर देना, सेम ही आएगा 40 मीटर, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए, कोऑर्डिनेट से हम कर सकते हैं या डायरेक्ट, लेंथ निकालनी है तो डायरेक्ट कर लो, और जो इवेंट साइमल्टेनियस होंगे नहीं होंगे वो तुम कोऑर्डिनेट निकाल के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे। यदि कोई भी एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको ये टाइम डिफरेंस अलग दिखाई देगा, यदि वो 3/5c से मूव करता है तो टाइम जीरो दिखाई देगा, टाइम डिफरेंस साइमल्टेनियस दिखाई देंगे इवेंट, यदि कोई और वेलोसिटी से मूव करता है तो ये 10⁻⁷ टाइम नहीं दिखाई देगा, टाइम डिफरेंस कुछ अलग दिखाई देगा। ये मैंने बताया ना, देखो जो मूविंग फ्रेम है उसकी क्लॉक स्लो चलती है, उसकी क्लॉक स्लो चलने का मतलब है इसको दो, मान लो दो इवेंट है, जैसे यहाँ पे दो इवेंट है, ये 10⁻⁷ ना लेके हम ले लेते हैं 10 सेकेंड टाइम लग रहा है दो इवेंट होने में, और एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो उसको ये 10 सेकेंड से टाइम ज़्यादा दिखाई देगा, इसको 10 सेकेंड, क्योंकि इसकी क्लॉक स्लो चल रही है, इसकी क्लॉक स्लो चल रही है तो इसको ये टाइम है वो ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। यदि वो वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको कोई भी टाइम डिफरेंस 3/5c, यहाँ पे 3/5c नहीं आएगा, यहाँ पे हमने 10 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 10 सेकंड दो इवेंट रेस्ट पे हो रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पे दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, हमारे रिस्पेक्ट में वो 10 सेकंड के एक टाइम इंटरवल उनके बीच में 10 सेकंड का है, तो एक मूविंग फ्रेम है, तो एक मूविंग फ्रेम है जो मूव कर रहा है, मान लो किसी भी वेलोसिटी से 3/5c से ही मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, एक एस फ्रेम है जिसके अंदर दो इवेंट हो रहे हैं और उन बीच का जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास 10 सेकंड, और एक मूविंग फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम जो 3/5c से मूव कर रहा है, ठीक है, उसको इन दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल क्या दिखाई देगा, ये तो प्रॉपर टाइम होगा, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी नोट, ये प्रॉपर टाइम है अपॉन 1 - v² / c², तो ये कितना होगा 10⁻⁹ 25 - 9 16/√25 10 × 5/4 तो 50/4 25/2 तो ये आएगा 12.5 सेकंड उनको इंटरवल दिखाई देगा, ठीक है, 12.5 सेकंड का इंटरवल दिखाई देगा यदि वो 3/5c से मूव कर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों इवेंट है 10 सेकंड का टाइम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इवेंट अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो रहे थे, यहाँ पे दोनों इवेंट एक ही पोजीशन पे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को नोट करना, यहाँ पे दोनों इवेंट एक ही पोजीशन पे होंगे, यदि अलग अलग पोजीशन पे होंगे तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यदि एक ही पोजीशन पे होंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दोनों इवेंट एक ही पोजीशन पे हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट टाइम डायलेशन का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों इवेंट अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं तो हमें ये इन जनरल फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें कोऑर्डिनेट निकाल के अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का फैक्टर आएगा, अलग अलग पोजीशन के लिए जो टाइम डिफरेंस है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन और टाइम आपस में रिलेटेड है, यहाँ पे जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक्स प्राइम गामा एक्स माइनस वी टी टी प्राइम गामा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, तो डी टी प्राइम क्या आएगा हमारे पास गामा डी टी माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वायर, तो ये डी एक्स पे डिपेंड करता है, ये डी एक्स पे डिपेंड करता है, यदि डी एक्स जीरो है हमारे पास तो डी टी प्राइम को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा डी टी, ठीक है, या डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 - v² / c², लेकिन यदि डिफरेंस है डी एक्स में डिफरेंस है, पोजिशन में डिफरेंस है, तो वो टाइम अलग होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम हमेशा अलग होगा यदि दो सेम पोजीशन पे हो रहे हैं और सेम अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं तो टाइम अलग होगा, और सेम पोजीशन पे हो रहे हैं तो टाइम अलग होगा, टाइम इंटरवल की बात करते हैं हम यहाँ पे,
ओनली एक टाइम की बात नहीं करते, टाइम हमेशा इंटरवल में मेजर होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कंसीडर द डीके ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी आता है और आईआईटी जैम में भी काफ़ी पूछा जाता है, और गेट का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। ठीक है, कंसीडर द डीके ऑफ पायोन, एक पायोन पार्टिकल है विच इज डिकेइंग इनटू म्यून एंड एंटी न्यूट्रिनो। म्यून और एंटी न्यूट्रिनो में डीके होता है रेस्ट, और किस फ्रेम में डीके हो रहा है, रेस्ट फ्रेम में, पायोन के रेस्ट फ्रेम में, मतलब पायोन रेस्ट पोजीशन पे था और वो एक पड़ा पड़ा ही रेस्ट पोजीशन पे डिक्की हो जाता है दो पार्टिकल में, इन दो पार्टिकल में। ठीक है, तो इनका जो रेस्ट मास है वो गिवन है, पायोन का रेस्ट मास गिवन है, म्यून का रेस्ट मास गिवन है, एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास गिवन है, जीरो है। ठीक है, और जो रेस्ट मास है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, रेस्ट मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें पता होगा, 10^-6 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड न्यूट्रिनो, फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड न्यूट्रिनो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून। ठीक है, देखो क्या फाइंड करना है, एमिटेड एंड फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड न्यूट्रिनो, इसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है, इसका रेस्ट मास तो जीरो है तो इसकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यून, और इसकी म्यून की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, रेस्ट पोजीशन पे वो डिके होता है तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी ई पाई, और इसकी इनिशियल एनर्जी थी एम पाई सी स्क्वायर। ये मूव नहीं कर रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था, ये सिर्फ रेस्ट पोजीशन में था, तो इसकी जो एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी होगी, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एनर्जी है इनिशियल एनर्जी। अब ये डिके होता है म्यून में और न्यूट्रिनो में। ठीक है, तो ई पाई टोटल एनर्जी होगी, ई म्यू म्यून की टोटल एनर्जी प्लस न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो की टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से हमने निकाल लिया। अब ये रेस्ट पोजीशन में डिके होता है, मतलब जो म्यून और एंटी न्यूट्रिनो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास जीरो है, और फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दोनों के मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, मोमेंटम ऑफ पी म्यू इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पी न्यूट्रिनो, इन दोनों का जब मोमेंटम इक्वल होगा तभी फाइनल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तभी हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने निकाल लिया, इनका जो मोमेंटम है वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा मोमेंटम का, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हमें एनर्जी, ये रिलेटिविस्टिक केस है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, ये सब रिलेटिविस्टिक केस में हो रहा है, बहुत हाई एनर्जी है इनकी, रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि रेस्ट मास दिया हमें तो रिलेटिविस्टिक केस है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का, एनर्जी और मोमेंटम में हमें रिलेशन पता है, तो इसकी जो एनर्जी होगी म्यून की वो क्या होगी, ई म्यू स्क्वायर, और वो क्या होगी, ई म्यू स्क्वायर, ई म्यू स्क्वायर होगी हमारे पास, हमें फॉर्मूला पता है, एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो की एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4 सी स्क्वायर। अब ये तो जीरो ही है, इसका रेस्ट मास तो हमें जीरो गिवन है, ये जीरो आ जाएगा, इसको पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, इसको पी लिख दो मोमेंटम को, एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ई म्यू स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टर्म में ई म्यू स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ई म्यू स्क्वायर माइनस ई न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो होगा एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब यहाँ से देखो हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है, फाइंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड न्यूट्रिनो, इसकी न्यूट्रिनो की एनर्जी हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें ई न्यू फाइंड करना है, एमिटेड न्यूट्रिनो की एनर्जी फाइंड करनी है, और ये हमें गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है हमें टोटल एनर्जी। ठीक है, जो न्यूट्रिनो है उसको टोटल एनर्जी हमें गिवन नहीं है, हमें ये इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और ई पाई हमें गिवन है एम पाई सी स्क्वायर,
ई पाई हमें गिवन एम पाई सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, निकल जाएगा ई म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर। इसको हम ये लिख सकते हैं ई म्यू प्लस ई न्यू ई म्यू माइनस ई न्यू इज इक्वल टू एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा ई न्यू माइनस ई म्यू, यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये एम पाई सी स्क्वायर, या डिवाइड कर दो ये एम पाई सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर एम पाई सी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट ई पाई लिख देंगे या एम पाई सी स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, वो इक्वेशन सेम ई न्यू प्लस ई म्यू, ये कितनी है हमारे पास एम पाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, और ये वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें इसको रिमूव करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को आपस में इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टू ई म्यू आएगा हमारे पास एम पाई सी स्क्वायर माइनस एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर एम पाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम पाई स्क्वायर सी टू द पावर फोर माइनस एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर एम पाई सी स्क्वायर। टू नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास न्यूट्रिनो की एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया न्यूट्रिनो की एनर्जी। एक्चुअल में ये न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसका रेस्ट मास तो जीरो है, तो ये न्यूट्रिनो की एनर्जी आ जाएगी। एम पाई और एम म्यू की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा आराम से, न्यूट्रिनो की एनर्जी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यूऑन, जो हमारा ये है म्यूऑन पार्टिकल, म्यूऑन पार्टिकल की हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब म्यूऑन पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है हमें पता है ई म्यू इज इक्वल टू उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी है हमारे पास इसकी एम म्यू सी स्क्वायर प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये फॉर्मूला इन जनरल फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास म्यूऑन पार्टिकल की, उसकी टोटल एनर्जी माइनस उसकी रेस्ट मास एनर्जी। और यहाँ से ई म्यू हम निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, इसको थर्ड और फोर्थ मान लो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, तो ई म्यू आ जाएगा हमारे पास। ई म्यू क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने से आएगा हमारे पास एम पाई सी स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर फोर अपॉन एम पाई सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ई म्यू, और नीचे आ जाएगा हाफ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टू बनेगा, टू नीचे चला जाएगा माइनस एम म्यू सी स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से, कंप्लीट वैल्यू तुम्हें पता है, एम पाई पता है, एम यू पता है तुम्हें, सारी वैल्यू तुम्हें पता है, या एलसीएम लेके भी कर लेना, कैसे भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना हमेशा। बस दो तीन इक्वेशन यूज़ करनी है, दो एक मेन इक्वेशन तो ये जो तुम्हें याद रखनी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है या तो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक तो ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंटम की टर्म में एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर ई स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो m होता है वो होता है m नॉट बाय वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये बस फॉर्मूला है जो याद रखना है, और मोमेंटम कंजर्व करना है, एनर्जी टोटल एनर्जी को कंजर्व करना है, और मोमेंटम को हमें कंजर्व करना है, आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m मूविंग विद स्पीड c बाई टू। एक रेस्ट मास, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है और c बाई टू स्पीड से मूव कर रहा है, तो मतलब इसका मास चेंज हो चुका है, बहुत हाई स्पीड है तो इसका मास है वो चेंज हो चुका है, और कितना मास चेंज हो चुका है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका रेस्ट मास m है तो अब c बाई टू से मूव कर रहा है, तो इसका रेस्ट मास क्या होगा वो हम बता सकते हैं हमारे फ्रेम में।
ठीक है, डिकेज इंटू टू पार्टिकल ऑफ रेस्ट मासिस 2/5 m, और ये दो पार्टिकल में डिके होता है और जिनका रेस्ट मास है 2/5 m ईच, दो पार्टिकल में डिके होता है जिनका मास है 2/5 m ईच, द डॉटर पार्टिकल मूव इन द सेम लाइन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ओरिजिनल पार्टिकल, और इन दोनों की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो सेम, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में है। व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ डॉटर पार्टिकल, डॉटर पार्टिकल की हमें वेलोसिटीज फाइंड करनी है। तो देखो यदि हम डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करें मैकेनिक्स से, तो हम क्या हम कर पाएंगे इसको मैकेनिक्स से, तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। पहले मोमेंटम था m इंटू टोटल मास इंटू, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास टोटल मास c बाय टू होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये मास होगा और टोटल वेलोसिटी है c बाय टू, ये इनिशियल मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी यही होना चाहिए, लेकिन फाइनल मोमेंटम में हमें क्या होगा, इनकी वेलोसिटी मान लो v1 v2 है, अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसका जो मास है इसका जो मोमेंटम होगा फर्स्ट पार्टिकल का वो होगा हमारे पास 2/5 m अपॉन, मान लो ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर इंटू v1, ये इनिशियल मोमेंट, ये इसका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा हमारे पास 2/5 m 1 माइनस v2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी है v2, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, एनर्जी कंजर्व कर देंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे, इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास m बाय 1 माइनस c बाय 2 होल स्क्वायर बाय c स्क्वायर, 1/c² इंटू सी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी जिससे वो मूव कर रहा था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। फाइनल एनर्जी क्या होगी हमारे पास 2/5 m, ठीक है 2/5 m रेस्ट मास आ गया हमारे पास, रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v1² / c² इंटू सी स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी होगी फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की 2/5 m c स्क्वायर 1 माइनस v2² c² इंटू सी स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का टोटल एनर्जी हमने कंजर्व कर ली। यहाँ पे v1 v2 हमें कैलकुलेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को यहाँ से, ये एक इक्वेशन ही है, ये एक इक्वेशन मोमेंटम से आएगी, मोमेंटम से आएगी हमारे पास। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो होगा p1 + p2। तो यहाँ से देखो इस मेथड से करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं पता होगी, दोनों पार्टिकल के जो दोनों डिके होने के बाद उनका मोमेंटम क्या होगा, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगी हमारे पास, इसको हम लिख नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता जब डिके होगा वो उसी पाथ पे चलेगा, दोनों पार्टिकल अपोजिट चलेंगे या सेम डायरेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो उसी वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करना मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मैकेनिक्स में इवन हम सॉल्व करते हैं कोलिजन में डीके प्रोसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। क्लासिकल मैकेनिक्स से भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये रेस्ट मास वाला कॉन्सेप्ट तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो कंसिडर करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम इसको एक मॉडर्न फिजिक्स से ही करते हैं, हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, जब भी रेस्ट मास वगैरह अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए एसटीआर में इस टाइप के डीके प्रोसेस के, तो तुम्हें डायरेक्ट कैसे करना है, देखो बहुत इजी हो जाएगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करेंगे, ये पार्टिकल है रेस्ट मास m है, c बाय 2 से मूव कर रहा है, और ये हमारे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है s फ्रेम के रिस्पेक्ट में c बाय 2 से मूव कर रहा है, तो इस पर हमने एक फ्रेम अटैच कर दिया, s प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम हमने इस पर अटैच कर दिया, तो इस फ्रेम में हम बात करते हैं, एस प्राइम फ्रेम के अंदर जो ये पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल तो रेस्ट पोजीशन पे, और रेस्ट पोजीशन पे ये डिके हो रहा है, रेस्ट पोजीशन पे ये डिके हो रहा है, तो डॉटर पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, डॉटर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी है रेस्ट पोजीशन में, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी टोटल जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी है वो इसकी एनर्जी होगी, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या, इनिशियल एनर्जी, इसकी रेस्ट मास एनर्जी m c स्क्वायर, m इसका रेस्ट मास है।
ठीक है, इसके पास टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर है। फाइनल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, फाइनल एनर्जी जो डॉटर पार्टिकल निकलेंगे ई वन प्लस ई टू, और जो टोटल पार्टिकल निकलेंगे एस प्राइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, बाद में हम इस एस प्राइम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे एस फ्रेम में। एस प्राइम फ्रेम में हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं डॉटर पार्टिकल की, और उसको बाद में हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे एस फ्रेम में, तो बहुत ईजी होगा कैलकुलेट करना, ठीक है। और ये एनर्जी दोनों की सेम होगी, क्यों सेम होगी, क्योंकि दोनों का रेस्ट मास सेम है, दोनों का रेस्ट मास सेम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से मूव करेंगे। ये जो ई वन होगा ये हमारे पास क्या होगा, ई वन स्क्वायर पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर टू बाई फाइव एम होल स्क्वायर सी टू द पावर फोर, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने एनर्जी का, पी टू स्क्वायर सी स्क्वायर टू बाई फाइव एम होल स्क्वायर सी टू द पावर फोर, दोनों सेम मोमेंटम से मूव करेंगे, सेम रेस्ट मास है, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में जब डिके होगा तो मोमेंटम को इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट होगी और मोमेंटम को इक्वल होना पड़ेगा, तो मोमेंटम इक्वल होगा तो ई वन इक्वल टू ई टू होगा। तो ई वन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई वन आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई आई बाई टू या एम सी स्क्वायर बाई टू, टोटल एनर्जी का हाफ, ठीक है। ई आई आ जाएगा, ई वन या ई टू आ जाएगा, ई टू भी हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर बाई टू, इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, मतलब एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी उसकी जस्ट हाफ होगी, ठीक है, इसकी जस्ट हाफ होगी हमारे पास। तो हमने डॉटर पार्टिकल जो थे एस प्राइम फ्रेम में, जो डॉटर पार्टिकल थे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और इनके पास जो एनर्जी थी वो थी एम सी स्क्वायर बाय टू एम सी स्क्वायर बाय, और इनका जो रेस्ट मास है वो है टू बाय फाइव एम, और इसका जो रेस्ट मास है टू बाय फाइव एम, ठीक है। और इनकी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, इनकी जो एनर्जी एम सी स्क्वायर बाय टू। अब देखो इसकी इसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला लगाते हैं हम, इसका रेस्ट मास, एक एनर्जी का ये फॉर्मूला एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास एनर्जी, रेस्ट मास हमें पता कितना है टू बाई फाइव एम इंटू सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी इसकी वी वन मान लो इसको, ई वन हमें पता है एम सी स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास रूट वन माइनस वी वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू बाई फाइव, ये उधर चला गया टू ऊपर आ जाएगा फोर बाई फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया था टू बाई फाइव, टू इधर आ गया फोर बाई फाइव, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करो, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सिक्सटीन बाई पच्चीस, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस सिक्सटीन अपन पच्चीस नाइन बाई पच्चीस, नाइन बाई पच्चीस, तो वी स्क्वायर वी बाई सी कितना आ जाएगा थ्री बाई फाइव, वी बाई सी आ जाएगा हमारे पास थ्री बाई फाइव इंटू सी, ठीक है, थ्री बाई फाइव इंटू सॉरी वी आ जाएगा थ्री बाई फाइव इंटू सी, ये वेलोसिटी आ जाएगी इस पार्टिकल की थ्री बाई फाइव इंटू सी, ठीक है, वही वेलोसिटी सेम उसकी होगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस थ्री बाई फाइव इंटू सी, ये तो हम बता सकते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो क्योंकि दोनों पार्टिकल अब मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी है अपोजिट होगी। तो एस प्राइम फ्रेम में हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है थ्री बाई फाइव सी एंड माइनस थ्री बाई फाइव सी, और एस प्राइम फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एस के रिस्पेक्ट में सी बाय टू वेलोसिटी से, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो सी बाय टू से मूव कर रहा था, और इसी पार्टिकल के साथ हमने एस प्राइम फ्रेम अटैच किया था, तो एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है सी बाय टू वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ यहाँ पे, बस इसको नोट कर लो, एस फ्रेम में निकालनी हमें वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल की निकाल लेते हैं डायरेक्ट, देखो फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल 3 बाई फाइव सी से मूव कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल 3 बाई फाइव सी से मूव कर रहा है, और एस फ्रेम भी इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है, एस प्राइम फ्रेम भी इधर ही मूव कर रहा है और पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है, देखो यहाँ मैं पिक्चर बना देता हूँ, एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट पार्टिकल है वो 3 बाई फाइव सी से मूव कर रहा है, और जो सेकेंड पार्टिकल है वो 3 बाई फाइव सी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एस फ्रेम है वो रेस्ट पे है, और एस प्राइम फ्रेम किससे, सी बाई टू से मूव कर रहा है। तो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में यदि हम एस प्राइम में बैठे हुए हैं, और एस प्राइम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है वो माइनस सी बाई टू से पीछे जाता हुआ दिखेगा हमें,
एस प्राइम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है वो माइनस सी बाई टू से पीछे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मान लो वी वन है, वी वन प्राइम है, इसकी वेलोसिटी वी टू प्राइम है, तो वी वन वी टू क्या आएगा, एस प्राइम है इसलिए वी वन प्राइम लिख दिया, एस वी वन प्राइम है थ्री बाई फाइव सी, वी टू प्राइम है माइनस थ्री बाई फाइव सी। ठीक है, तो वी वन कितना आएगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ना हम यहाँ पे, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिंपल फॉर्मूला है यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी वन माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं हम, यू एक्स निकाल रहे हैं यू एक्स प्राइम प्लस वी वन प्लस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी कैसे भी लगा सकते हो तुम, ट्रांसफॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है तुम ये फॉर्मूला, मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो, जैसे डायरेक्ट देखो तो कैसे देखोगे, जैसे देखो डायरेक्ट कैसे देखेंगे हम इसको, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, थ्री बाई फाइव सी से मूव कर रहा है तो यहाँ कोई आदमी बैठा है, ठीक है यहाँ पे कोई आदमी, उसको ये थ्री बाई फाइव सी से इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है एस प्राइम के रिस्पेक्ट, यहाँ कोई आदमी बैठा है ये सी बाई टू से मूव कर रहा है, ठीक है ये सी बाय टू से मूव कर रहा है, या वो आदमी माइनस सी बाय टू से मूव कर रहा है ये कह सकते हैं, वो आदमी है इसके रिस्पेक्ट में माइनस सी बाय टू से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, क्या वेलोसिटी होगी, देखो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो थ्री बाय फाइव सी, ठीक है माइनस माइनस सी बाय टू, ठीक है थ्री बाय फाइव सी माइनस माइनस सी बाय टू वन, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस थ्री बाय फाइव सी इंटू सी बाय टू सी स्क्वायर, ये समझ आया, ठीक है इसके रिस्पेक्ट में, या तुम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, थ्री बाई फाइव सी प्लस सी बाई टू वन प्लस थ्री बाई फाइव सी इंटू सी बाई टू अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है समझ आया, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना हम एस के रिस्पेक्ट, समझ आ रही है बात, ये देखो ये फ्रेम है सी बाई टू से पीछे जा रहा है, ये फ्रेम पीछे जा रहा है सी बाई टू से, इसका मतलब है हम पीछे जा रहे हैं सी बाई टू से, और एक पार्टिकल है वो थ्री बाई फाइव सी से आगे जा रहा है इस फ्रेम में, थ्री बाई फाइव सी से पार्टिकल सी बाय टू से हम पीछे जा रहे हैं और एक पार्टिकल थ्री बाई फाइव सी से आगे जा रहा है, तो इसकी इसकी वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देगी, इसकी वेलोसिटी इन दोनों का एडिशन ही तो होगा ना, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं पार्टिकल आगे जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दिखाई देगी ऐड होगी, तो इसलिए डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे थ्री बाई फाइव सी माइनस प्लस सी बाय टू, ठीक है और ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस, जब दोनों प्लस आ जाते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जब दोनों प्लस होंगे, दोनों सेम साइन होंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, दोनों अपोजिट साइन होंगे यहाँ पे माइनस होगा, ये बताया था कल भी, यार तुम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना इसमें कन्फ्यूज मत होना, तुम अपने फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से भी कर लो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लो यार तुम, ठीक है जैसे सिंपल फॉर्म वैसे आएगा यही आंसर, सिंपल फॉर्मूला से कैसे होगा देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, तुम और कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, नहीं तो सिंपल फॉर्मूला से कैसे होगा देखो, ये हमारे पास एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम सी बाई टू से मूव कर रहा है, तो इसमें दो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल थ्री बाई फाइव सी से मूव कर रहा है, सेकंड पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में थ्री बाई फाइव सी से मूव कर रहा है, माइनस लिख दो या अपोजिट डायरेक्शन लगा दो यहाँ पे, ठीक है तो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में जो एस फ्रेम है वो माइनस सी बाई टू से पीछे मूव कर रहा है, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में यदि हम एस प्राइम में बैठे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में एस फ्रेम माइनस सी बाई टू से पीछे मूव कर रहा है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, यू एक्स प्राइम प्लस वी वन प्लस यू एक्स प्राइम वी बाई सी स्क्वायर, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यू एक्स प्राइम हमारे पास कितना है थ्री बाई फाइव सी प्लस वी कितना है हमारे पास, देखो वी हमारे पास होगा सी बाई टू, ठीक है ये माइनस साइन यहाँ नहीं लगाएंगे अब, ठीक है माइनस हमने ऑलरेडी ले लिया है वहाँ पे माइनस वी, ठीक है हम डायरेक्ट उसकी वेलोसिटी लेंगे c बाय टू जो भी उसकी वेलोसिटी है, ठीक है वन प्लस थ्री बाई फाइव सी इंटू सी बाय टू, समझ आ रही है बात, क्योंकि हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी तभी माइनस कंसीडर कर लिया था, माइनस प्लस में कन्फ्यूज मत होना तुम, या तो डायरेक्ट a की ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो u इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी वन माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये याद रखो बस, ये याद रखो बस, ये है s प्राइम फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन, यदि एस फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एस फ्रेम की आ जाएगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी यू एक्स प्राइम, ठीक है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एस फ्रेम की वेलोसिटी होगी एस प्राइम के रिस्पेक्ट, यदि वो माइनस सी बाई टू लिखेंगे तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ठीक है कन्फ्यूज होने की बात नहीं है इसमें कोई भी,
तो वही सेम आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा रिजल्ट। यू एक्स प्राइम है 3/5c, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी है c/2 पीछे जा रहा है, 1 + 3/5c × c/2/c2। ठीक है, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फिर भी ना समझ आए, डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। बाकी अपने लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। और देखो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/5 + 1 + 1/2 × c, 1 + 3/10 × c² से c² कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, 6 + 5 c, 10 × 3 = 13/10, 11/13 c, आई थिंक यही आएगा, 11/13 c। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसकी वेलोसिटी, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ux prime + v, 1 + ux prime v/c². देखो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ux - v, 1 - v² / 1 - ux v/c². बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, ux है, देखो ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, वो प्राइम का तो वो फैक्टर आ जाता है जब हम देखते हैं भाई, चलो अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बाकी है सेम ही चीज़ दोनों, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम, इसमें प्राइम लगाना है, यहाँ प्राइम लगा लो, यहाँ प्राइम लगा लो, ठीक है। यू एक्स प्राइम कितना है हमारे पास, -3/5 c, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी कितना है हमारे पास, -c/2, 1 - ux कितना है हमारा, ux prime, -3/5 c, -c/2 / c² ये आ जाएगा हमारे, माइनस प्लस यहाँ पे ओवरऑल माइनस रहेगा, समझ आइए बात। देखो इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, यार तुम मेरे को लग रहा है इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ये वेलोसिटी निकाल लेंगे, ऐसे आ जाएगी वेलोसिटी, वो अपोजिट आ जाएगी हमारे पास। देखो हमारे पास एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मानो एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर ही देता हूँ कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो इसमें एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, और सॉरी ए ही पार्टिकल ले लेते हैं, ए पार्टिकल है, वो मान लो 5 मीटर से मूव कर रहा है, 5 मीटर/सेकेंड से वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकेंड एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में 5 मीटर/सेकेंड से मूव कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ये याद रखो, ux prime = ux - v, 1 - ux v/c², ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वहाँ वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, राइट डायरेक्शन। यू एक्स है 5, वी है, वी मान लो 4 / 1 - 5 × 4/c² 0.5 c ले लो, इसको 0.4 c ले लो, 0.5 c and 0.4 c, ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यदि वो ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 0.5 c से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या आएगा मेरे पास, -0.5 c - 0.4, 1 - 0.5 - - + हो जाएगा × 0.4 c, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, समझ आया। और यदि वही पार्टिकल एस प्राइम फ्रेम में मूव कर रहा होता, ये तो पार्टिकल मूव कर रहा था एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यदि वही पार्टिकल एस प्राइम फ्रेम में मूव, एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा 0.4 c से, और एस प्राइम के रिस्पेक्ट में वो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा 0.5 c से, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ux आएगा हमारे पास, ux आएगा 0.5 c पार्टिकल की वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो v लिखेंगे हम,
अब इसके इसमें ही है दोनों पार्टिकल, तो ये एस प्राइम फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो एस फ्रेम है वो पीछे मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.4 c से मूव कर रहा है वो। तो इस फ्रेम में हमें वेलोसिटी बतानी है, इस फ्रेम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। इस एस प्राइम फ्रेम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी 0.5 c, तो एस फ्रेम में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो एस फ्रेम है जो वो पीछे की तरफ 0.4 c से मूव कर रहा है, तो -0.4 c आ जाएगा, 1 - 0.5 c -0.4 c / c2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप तो। ठीक है, यदि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 0.5 c से, अब क्या होगा, इसको प्राइम हटा के यहाँ प्राइम लगा लेना, वो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ प्राइम हटा देना, यहाँ प्राइम लगा लेना, और v तुम्हें पता है वो माइनस साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ux क्या आएगा अब हमारे पास, -0.5 c -0.4 c 1 - 0.5 c -0.4 c / c2, ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैम फिजिक्स 2017 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में सी बाई टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सी बाई टू वेलोसिटी से वाई प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन एस प्राइम फ्रेम। एक मूविंग फ्रेम है जो एस के रिस्पेक्ट में सी बाई टू से मूव कर रहा है, और इस फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है सी बाई टू वेलोसिटी से। तो हमें टोटल वेलोसिटी फाइंड करनी है। एस फ्रेम में, एस फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, उसको इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी। एस फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, उसको इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। क्या सिर्फ वो वाई डायरेक्शन में ही होगी, सिर्फ y में तो नहीं होगी, वो y के साथ साथ x में भी होगी, क्योंकि ये कंप्लीट फ्रेम भी मूव कर रहा है। तो हमें दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, और हमें पता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v 1 - ux v / c2, और y प्राइम uy प्राइम इज इक्वल टू uy 1 - v2 / c2 / 1 - ux v / c2। ये दोनों फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये s प्राइम फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन है, यदि एस फ्रेम में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन है एस प्राइम फ्रेम के लिए, यदि एस फ्रेम में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो एस प्राइम फ्रेम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे सेम, देखो यूज़ यही होगी, बस वी चेंज हो जाएगा। हम एस प्राइम के रिस्पेक्ट में मान लेंगे जो एस है वो पीछे मूव कर रहा है, बस बात तो यही है ना, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एस है वो सी बाई टू से पीछे मूव कर रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही सेम रहेगा। यहाँ पे प्राइम की जगह इसको ये कर देना बस, और वेलोसिटी है वो तुम्हें अपोजिट लेनी पड़ेगी, माइनस सी बाई टू कर देना इसको वेलोसिटी को। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। आई होप ये समझ आया होगा तुम्हें, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो ux क्या आ जाएगा हमारे पास, ux आ जाएगा, ux प्राइम कितना है, x डायरेक्शन में क्या कोई पार्टिकल की y फ्रेम में, s प्राइम फ्रेम में क्या x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, नहीं है तो जीरो। और v s फ्रेम की s प्राइम रिस्पेक्ट, s फ्रेम की s प्राइम के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, माइनस सी बाई टू, 1 - 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये ux प्राइम तो 0 c बाई टू, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी c बाई टू। ऑब्वियसली पता ही है c बाई टू ही दिखेगी इसको, क्योंकि वो तो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फ्रेम है वो c बाई टू से आगे चल रहा है, तो इसको जो इस पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाई देगी वो c बाई टू दिखाई देगी। ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या दिखाई देगी, यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, uy प्राइम कितना है, c बाई टू पॉजिटिव। ठीक है, 1 - v2 कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, c बाई टू होल स्क्वायर इंटू 1 - c2 1 - यहाँ पे आएगा ux प्राइम 0, ux प्राइम तो 0 है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये आ जाएगा c बाई टू 1 - c2 से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 4 - 1√3/2 √3/2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, और x डायरेक्शन में c बाई टू, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ux स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4 uy स्क्वायर 3 c² / 16, तो 16 एलसीएम ले लेंगे, 4 c² + 3 c², तो √7 c/4,
ऑप्शन क्या होगा? सी, ये जैम में आया था 2017 में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैम 2015 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रोटॉन फ्रॉम आउटर स्पेस मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, एक प्रोटॉन है जो आउटर स्पेस में अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 0.996 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एज मेजर्ड इन द अर्थ फ्रेम। ए स्पेसशिप ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रोटॉन, एक स्पेसशिप है वो प्रोटॉन के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, ठीक है। स्पेसशिप इज ट्रैवलिंग टू द पैरेलल टू द प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है मेजर्ड इन स्पेसशिप, यहाँ पे आएगा मेजर्ड इन स्पेसशिप, ये गिवन है मेजर्ड इन शिप। जो प्रोटॉन की वेलोसिटी जो शिप को दिखाई दे रही है, स्पेसशिप के अंदर कोई आदमी बैठा है उसको जो प्रोटॉन की वेलोसिटी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 0.976। कोई एक अर्थ पे आदमी खड़ा है उसको प्रोटॉन की वेलोसिटी दिखाई दे रही है 0.996। एक स्पेसशिप है जो नीचे की तरफ प्रोटॉन के पैरेलल मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, उसको प्रोटॉन की वेलोसिटी दिखाई दे रही है 0.96। तो हमें कैलकुलेट करना है द अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप इन द अर्थ फ्रेम, अर्थ के फ्रेम में हमें स्पेसशिप की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अर्थ फ्रेम को एस फ्रेम मान लेते हैं, एस फ्रेम मान लिया हमने अर्थ फ्रेम को, ठीक है। अर्थ फ्रेम में एक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, अर्थ फ्रेम को एस फ्रेम मान लिया। अर्थ फ्रेम में एक प्रोटॉन है वो मान लो एक्स डायरेक्शन में, मान लो जो एक्स डायरेक्शन है वो इसको ये मान लेते हैं, चलो प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो वो वाई डायरेक्शन मान लेते हैं, वाई डायरेक्शन में प्रोटॉन नीचे गिर रहा है 0.996 cc। एस फ्रेम में प्रोटॉन है नीचे आ रहा है 0.996 cc, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लो फ्रेम में, एस एस फ्रेम है जो अर्थ से हमने अटैच कर दिया, इसमें 0.996 cc प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, और एक स्पेसशिप है वो वी वेलोसिटी से प्रोटॉन के पैरेलल मूव कर रही है, प्रोटॉन के पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हमने वी मान ली। स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने वी कंसीडर कर ली, और इस स्पेसशिप के अंदर इसको एस प्राइम फ्रेम मान लो, और इस स्पेसशिप के अंदर जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो है 0.97 cc, ठीक है, ये कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस मान लो यार, इसको चलो एक्स मान लो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए, इसको एक्स एक्सिस मान ली हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू हो रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक तो स्पेसशिप मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, और एस फ्रेम में, एस फ्रेम में देखो एक तो स्पेसशिप मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, और एस फ्रेम में प्रोटॉन मूव कर रहा है 0.996 cc, और स्पेसशिप के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है 0.97 cc। तो हमें स्पेसशिप की वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास यू एक्स प्राइम यू एक्स माइनस वी वन माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, हमें यू एक्स प्राइम भी गिवन है, यू एक्स भी गिवन है, हमें वी फाइंड करना है। यू एक्स प्राइम क्या है 0.97 cc, एस प्राइम फ्रेम में जो प्रोटॉन की वेलोसिटी 0.97 cc, और यू एक्स कितना है 0.99 cc माइनस वी वन माइनस 0.99 cc इंटू वी बाई सी स्क्वायर, समझाई कहानी। वी फाइंड करना, देखो कुछ अलग पूछ लिया इसने, पहले तो हम हमेशा यू एक्स दिया होता था, वी दिया होता था, हम यू एक्स प्राइम फाइंड करते थे, यहाँ पे यू एक्स प्राइम गिवन है, यू एक्स गिवन है, हमें वी फाइंड करना है, तो वी फाइंड कर लो यहाँ से, इस इक्वेशन से वी कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी जब तुम कैलकुलेट करोगे वाई का 0.5 cc, ठीक है, 0.5 cc से जो स्पेसशिप है वो मूव कर रही है, कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक। आई होप ये तुम्हें टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं तुम्हें असाइनमेंट में दे दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं गेट में नेट में और जो आईआईटी जैम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करना, और आई थिंक ये क्वेश्चन नौ क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तुम, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक टॉपिक और रह रहा है इसमें हमारा डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी बनते हैं, वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट छोटा टॉपिक है और उसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा 3-4, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही है, बाकी असाइनमेंट में दे दूंगा, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है तुम सॉल्व करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना उसकी।